खुश आमदीद दोस्तों मेरे चैनल में, मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूं। कुछ दोस्त जो विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं और सामने डेस्कटॉप पे उनको कंप्यूटर का आइकन या डस्टबिन या दूसरा तीसरा आइकन नहीं मिलता, वो परेशान हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ईजी सोल्यूशन है और आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपके पास नई वीडियो मिल जाए। और इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं, आप रेगुलर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। करना क्या है, आपने ये जो कॉर्नर पे स्टार्ट का बटन बना है इस पर राइट क्लिक करना है और सीधा सेटिंग पे चला जाना है। सेटिंग पे जाके आपने पर्सनलाइजेशन को क्लिक करना है। पर्सनलाइजेशन को क्लिक करने के बाद आपने थीम्स को क्लिक करना है। थीम्स को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स पे। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये पांच जो चेक बॉक्स बने हुए हैं, कंप्यूटर भी इसमें आया, यूज़र फाइल्स, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, आपको जो चाहिए इसमें से वो आप ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल सबको मुझे चाहिए, मैं सबको चेक कर लेता हूं। ये मैंने क्लिक कर लिया, यहां से अप्लाई कर लिया। और दोस्तों याद रखें यहां पे ये अलाउ थीम्स टू चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स वाला चेक बॉक्स चेक में ये क्लिक होना चाहिए, ये चेक होना चाहिए, मतलब इसको चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होगा तो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर इसको क्लिक कर लें, चेक कर लें और फिर अप्लाई करके ओके कर दें, आपके आइकॉन जो है वो बन गए। ये देखें दोस्तों, ये यूज़र फाइल आ गई, ये नेटवर्क आ गया, ये रिसाइकल बिन आ गई और दिस पीसी और कंट्रोल पैनल। दूसरा दोस्तों, अगर और भी कोई आइकॉन आपको चाहिए आप क्या करें, कंट्रोल पैनल खोल लें। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद जैसे यहाँ पे पहले ऐसे होता है, मैंने इसकी कैटेगरी चेंज की, आप यहाँ से स्मॉल आइकॉन कर लें, आप यहाँ से लार्ज आइकॉन कर लें। लार्ज आइकॉन करने के बाद जो भी आपको यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आपको डेस्कटॉप पर चाहिए, कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये जो है ना डिवाइस एंड प्रिंटर्स का आपको डेस्कटॉप पे चाहिए, आप यहाँ वहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट शॉर्टकट करेंगे। ये आपको कहेगा कि विंडोज़ कैन नॉट क्रिएट अ शॉर्टकट हेयर, डू यू वांट द शॉर्टकट टू बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप इंस्टेड, तो आप येस कर देंगे तो आपकी ये जो डिवाइस एंड प्रिंटर्स का शॉर्टकट जो है वो आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो वेरी ईजी है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों।